इसी का सारा खेल है। इस हवेली को पाने के लिए तुमने एक टास्क भी अपनी ईमानदारी और सब एक्शन। काव्या करण प्रताप सिंह, इस हवेली को पाने के लिए तुमने एक टास्क भी ईमानदारी से नहीं किया। सारे टास्क में तुमने बेईमानी की। तुम और आयुष्मान दोनों मिलकर शादी का ढोंग रच रहे थे सिर्फ और सिर्फ इस हवेली को पाने के लिए। अब तुम ये सोच रही हो कि मैं सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप क्यों बैठा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि इस हवेली को पाने के लिए तुम किस हद तक गिर सकती हो। एक्शन। ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गेम अभी तक होगा नहीं। क्या क्या कहना क्या चाहते हो? मैं ये लग रहा है कि तुमने ये बहुत ही सही डील की है। मेरी मां के बदले ये हवेली बहुत ही मामूली सी चीज है। मेरे पास वो हुक्म का एक है जो तुम्हारे हाथ में पड़े बादशाह पर भारी पड़ेगा। अब सर इसे देखो, हवेली को तुमने बचा ली लेकिन ये सीमेंट फैक्ट्री, ये टेक्सटाइल मिल, ये शुगर मिल और ये फार्म, इसे कैसे बचाओगे? करण ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं। पूरे सिंह खानदान को धोखे में रखकर उसने पूरे सिंह खानदान का बिजनेस गिरवी रखा। मैंने पैसे चुकाकर उसे अपने नाम करवा लिया। नहीं, ये झूठ है। मैं जानती हूं तुम कोई साजिश खेल रहे हो। झूठ मत बोलो मुझसे, ये झूठ है ना? कह दो। जिस इंसान को तुम भगवान मान बैठी थी ना, वो इंसान शैतान था, शैतान। बकवास मत करो। करण एक घटिया और खुदगर्ज इंसान था। अपने लालच और फायदे के लिए उसने पूरा बिजनेस गिरवी रखा और जब उसे लगा कि कर्जा बहुत बढ़ गया है तो उसने बड़ी चालाकी से तुम्हें 51% का मालिक बना दिया ताकि जब फंसने की बारी आए तो वो आराम से निकल जाए और तुम काव्या करण प्रताप सिंह।